गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युमन ठाकुर की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्कूल के बाहर रविवार को भी प्रदर्शन जारी है। गुस्साए पेरेंट्स और आम लोगों ने स्कूल के पास स्थित एक शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। स्कूल के बाहर सैकड़ों लोग जमा है। भीड़ को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जवान सुबह से ही लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जुविनाइल एक्ट के सेक्शन 75 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि बच्चे के माता पिता पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होते तो हरियाणा सरकार किसी भी एजेंसी से जांच कराने को तैयार है। सर बंद है सब कुछ, मेरा कैमरा तो बड़ा वाला बॉस लेके गए हुए हैं। इसी मेरे रिकॉर्ड के लिए टीवी पे चलवाऊंगा नहीं इसको। ये देखें क्या हुआ भाई योगेश? बोला कि मार दो, हमें ऑर्डर है कि कोई मीडिया वाले किसी का कैमरा नहीं देखा जाएगा, ये तोड़ दो। मीडिया वालों को ना मीडिया वालों को ही टारगेट बनाते हैं।